गाइस अभी हम लोग मंगनी विलेज पहुंच चुके हैं और हम लोग का सफर बहुत अच्छा रहा है लेकिन नहीं कैसा रहा? अच्छा, वेरी गुड ड्राइव। और अभी हम लोग एक खंडन के घर में जा रहा है, ठीक है। तो ये भाई हम लोगों को लेके जा रहा है। हम लोग फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए मालूम भी नहीं है हम लोग कहाँ जाना है, मालूम नहीं। फिर भी हम लोग एक ब्रदर लेके जा रहा है और इधर का कुछ सीन अलग है रे, बहुत अच्छा है। और हो सकता है तो आज मैं आप लोगों को पूरा गाउन दिखाएगा, इसलिए आप लोग मेरा व्लॉग भी बने रहो, ठीक है। आई थिंक वो रहा ग्राउंड, वो रहा बंकी विलेज ग्राउंड, ठीक है। ओके गाइस, मैंने आप लोगों के साथ बोला था कि मैं बंगदी विलेज दिखेगा बोला था ना, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेके जा रहा है। फिर भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मेरे को रास्ता भी मालूम नहीं है, कहाँ भी जाना है मालूम नहीं है। फिर भी सही घूमने के लिए जा रहा है, हम दोनों जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी मेरा व्लॉग भी बने रहो और मेरा पीछे का सीन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और मैंने सोचा था कि आजकल स्प्रिंग सीजन है, हवा बहुत मारता है, इसलिए मैंने ड्रोन लेके नहीं आया। मैंने बहुत कल दी गया है क्योंकि ड्रोन लेके आता तो बहुत अच्छा फुटेज मिलता, फिर भी ड्रोन लेके नहीं आता, इसलिए आप लोगों को इतना अच्छा से नहीं दिखा पाया। फिर भी नेक्स्ट टाइम मैं आएगा, ड्रोन लेके आएगा और पूरा गाँव का नजारा आप लोगों को दिखेगा। बिना ड्रोन नजारा तो इतना अच्छा से नहीं मिलता है। अरे यार क्या कुकुरा को व्लॉग करते समय। और नीचे में ग्राउंड है बंगदी विलेज का, आई थिंक बच्चे लोग भी खेलते हैं, फिर भी आप लोग नहीं देख रहा होगा क्योंकि मेरा बस तो इतना बड़ा DSLR भी नहीं है, बहुत छोटा फोन है इसलिए, ठीक है। और कुछ गाँव का नजारा ऐसा है। और मैंने कुछ जानकारी लिया था कि ये गाँव का बारे में, तो गाँव कब इस्टेब्लिश हुआ था मेरे को इतने एग्जैक्टली मालूम नहीं है। फिर भी ये मुखा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा वाला गाँव पंगदी विलेज, मुखा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा वाला गाँव पंगदी विलेज है। और लगभग इधर में 3000 खर्चे से, अरे मेरे भी ज्यादा मालूम है यार। अंकल ने बताया था ना, फिर ये बहुत समझदार है, मेरे भूल जाते हैं। अरे यार ऐसा ही घूम रहे, ठीक है। और इधर में क्या बोलेगा, सन लगा था ना, इधर में मेरा शक्ल अच्छा से नहीं देख रहा होगा क्योंकि लाइटनिंग उधर में आता है ना, इधर से इधर चलना चाहिए था। ओ इधर से इधर चलना चाहिए था, मैंने कल दिखे। फिर भी आप लोगों का आते समय भी दिखाएगा कुछ नजारा। और इधर का घर कुछ ऐसा दिखता है, ये बम्बू से बना हुआ है, ये घर बम्बू से बना हुआ है, ये घर बम्बू, ये बम्बू और मिट्टी मिक्स करके बनाया है। मिट्टी भी मिक्स किया, टिम्बर का नहीं है, टिम्बर का तो ये सब तो टिम्बर ने बनाया था। फिर आइए भी टिम्बर है, फिर भी क्या बोलेगा, उबुजे साइड में तो मिट्टी और बेम्बू दोनों मिल के बनाया था। और इधर का छठ भी नहीं दिख रहे, आप लोगों को सोचा था कि इधर का छठ भी दिखेगा और कुछ दिखेगा। फिर भी अमर फाल्कन बर्ड्स आते हैं ना, अमर फाल्कन बर्ड आते हैं। फिर भी अभी जो सीजन नहीं है, अनसीजन है, अक्टूबर महीना में आओ, आपको बहुत सारे अमर फ्लैगन दिख जाएगा क्योंकि बंगदी विलेज इज द कैपिटल ऑफ अमर फ्लैगन, ओवरऑल कैपिटल अमर फ्लैगन भी माना जाता है। अच्छा। और इधर में दुकान है, ये क्या टावर है, कौन सी टावर है मेरे को पता नहीं है, फिर भी टावर देख रहे हैं। आई थिंक जियो का होगा, नहीं जियो, जियो तो टावर नहीं है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो का नेटवर्क तो फुल है मेरा, फुल है तो कौन सा टावर है पता नहीं है। अरे यार गाँव का रास्ता तो बहुत अच्छा है, ये गाँव बहुत डेवलप है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। और गाइस हम लोग चलते चलते एक वेलकम गेट मिल चुके हैं, विजिट अगेन मोन्सो का मतलब थैंक यू, ठीक है, शुक्रिया। और ये कौन सा वेलकम गेट है मेरे को पता नहीं है क्योंकि हम लोग पंगदी विलेज में आया था ना, और हम लोग रास्ता भी मालूम नहीं था। फिर भी ऐसा ही सड़क में घूम के जा रहा था, चल चल के जा रहा था और एक वेलकम गेट मिला था, मैं आप लोगों को देखेगा ये। और यार वेलकम टू पंगदी विलेज, वेलकम गेट इधर में, हम लोग नीचे में आया था ना। अरे यार ये पंगदी विलेज है, इधर से पंगदी विलेज स्टार्ट होते हैं आई थिंक, मेरे को एक्जेक्टली मालूम नहीं है। कोई मेरा व्लॉग पंगदी विलेज की तरफ से देखता है तो हमको कार्य कर दीजिए क्योंकि हम इधर में फ्रेश आया है ना, ठीक है। और गाइस मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती है कि हम दोनों ने कैसा है, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, फिर भी आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ। हम दोनों ने ही चेकिंग करके आया था, एक रुपया भी हम लोगों ने ट्रैवलिंग करते समय इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। वो खा तू पंगदी विलेज कितना किलोमीटर होगा, 34-35 क्योंकि वो खा तू यंग
16 किलोमीटर है और वहाँ से दुयांग से पंगदिया निकले 18 किलोमीटर, तो कुल मिला के 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रेल किया है, कवर किया है, फिर भी 1 रुपया भी हम लोगों ने खर्च नहीं किया, क्योंकि यहाँ का लोग तो अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, फिर भी उन लोगों ने ऐसा ही हम लोगों ने हाथ दिखाया, रुको रुको बोला, रुक दिया, कहाँ जाना है, पंगदी जाना है, आओ बोला था। तो हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के आराम से किया, फिर भी उन लोगों ने 1 रुपया भी नहीं लिया। और आज हम लोग का रहना, वो अंकल, मेरा अंकल का भाई था, अंकल का भाई का घर में हम लोग रहने वाला है आज, वो लोग हम लोगों के लिए खाना पका रहा है और हम दोनों ऐसा ही घूम रहे हैं, ठीक है। और कुछ ये तो जंगल भी बोल सकते हैं ना, कौन सा रास्ता है मेरे को एक्जेक्टली मालूम नहीं है, और ये तो पता नहीं क्या, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल लोग है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल लोग है। मेरे को कभी इतना ये नहीं था कि इतने जल्दी लिफ्ट मिलने वाली है यहाँ पे, 2 मिनट भी हम हार्डली खड़े नहीं थे वहाँ पे, बहुत हम बस खड़े थे, एक गाड़ी आ गई, हमने बस ऐसे लिफ्ट का इशारा किया और डायरेक्ट उन्होंने रोक दिया और बैठने को भी कहा, तीनों जो गाड़िया थी तीनों ड्राइवर ने ऐसा किया सेम टू सेम। और हम बहुत खुश है क्योंकि ये बहुत खुश है, क्योंकि मेरा दोस्त बहुत खुश है, क्योंकि ये बहुत दूर से आया था ना, महाराष्ट्र से नागालैंड देखने के लिए था, और पर का लोग आए और बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश है, क्योंकि इनको बहुत अच्छा ट्रीट किया है, जितना नागा लोगों ने इनका चैनल सब्सक्राइब किया है मेरे तरफ से थैंक यू, क्योंकि कल मैंने इसका चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थला था और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, इसलिए लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, तो मैं सारे लोगों को इस सपोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। और इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं बाकी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। और जब हम आ रहे थे लिफ्ट लेके, तो क्या हुआ था कि बीच में वो जो गाड़ी हमारी बंद हो गई थी ना, जो चढ़ नहीं रही थी वो जो ट्रक, हाँ, तो हम जब सेकंड थर्ड थी ना वो लिफ्ट, थर्ड लिफ्ट में जब हमारी जब सेकंड गाड़ी आई थी, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कुछ हमसे सवाल नहीं पूछे, डायरेक्ट हमको बिठा दिया। हाँ, तो उन सारे जितने भी ड्राइवर्स थे आज के, सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कहीं जाए लिफ्ट मिले हमको और हमको डायरेक्ट लिफ्ट दे दिया हमको, थैंक यू सो मच। इसलिए जितना ड्राइवर ने हम लोगों को लिफ्ट किया था, उन सबको थैंक यू देना चाहती है। और कुछ कम का नजर ऐसा दिखता है, ये कौन सा कम आता है मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम विजिट करने के लिए आया था इधर में। अरे यार, और इधर का मौसम तो बहुत अच्छा है, इतना ठंड भी नहीं है और इतना गर्मी भी नहीं है, दुयांग में दिन में बहुत गर्म था ना, दुयांग में भी बहुत गर्म था। और हम हो सकता है तो ओकोत्सो और संग्रो भी एक्सप्लोर करेगा, कहाँ पे है पता नहीं, हम ओकोत्सो संग्रो किधर पे जाते हैं पता नहीं है, फिर भी हो सकता है तो हम एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश करेगा। और इसका प्लान है कि ये मुकुचुंग तुंगसांग की तरफ ट्रैवल करने वाले, जब ये वो खत पूरा एक्सप्लोर नहीं करेगा, वो खुद से पूरा एक्सप्लोर नहीं करेगा, 2-4 दिन गाँव एक्सप्लोर करेगा और उसके बाद में ये मुगुचुंग और ट्विंसांग की तरफ जाएगा। अरे यार, मेरे को अभी पता चला है कि हम पद कर करके पंगदी विलेज में पद कर करके संग्रो विलेज में आ चुके हैं। अभी पता चले, एक अंकल में मेरे को पता है कि ये संग्रो विलेज है, इसलिए इतना दूर भी नहीं है संग्रो, और जैसे घर रहते ना हमारे आसपास में पड़ोसी जैसे, सेम वैसे ऐसा ही है, ये दोनों कौम बहुत नजदीक में ही है। हम लोग एक दूसरे को हम लोग पंगदी विलेज में पद कर करके संग्रो विलेज में आगे पहुंच चुका है। और एक अंकल ने हम लोगों को अभी भी बताया था, पंगदी विलेज बहुत दूर में है, सही मचा कर, इतना दूर भी नहीं है, हम लोग का नजदीक में है, तो ये नीचे में संग्रो विलेज, तो ठीक है हम लोग जाके देखेगा संग्रो विलेज के साथ दिखता है, फिर भी वो ये दोनों विलेज बहुत बढ़िया है, तो ऊपर वाले का मेहरबानी से हम दोनों ने आज दो गाँव एक्सप्लोर करने वाला है। मतलब आज हम दोनों बहुत जगह कवर करने वाले हैं, ठीक है। और गाइस, अभी मैं आप लोगों को संग्रो विलेज स्कूल दिखाने वाले है, वो खत डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही है संग्रो विलेज। संग्रो विलेज स्कूल, स्कूल का नाम है LAMB लैम स्कूल संग्रो, उधर में लिखे। और कुछ स्कूल ऐसा देखता है, ये ब्रावी जनक क्रमें है मेरे को पता नहीं, ये फिर भी स्कूल का नाम लैम स्कूल संग्रो विलेज। हाँ, कुछ स्कूल ऐसा देखता है, आप लोग भी देख सकता है। तो मैंने आप लोगों को बहुत दिखाई दिया है आज, आज का व्लॉग तो बहुत लंबा होने वाला है, फिर भी आप लोग देखो, क्योंकि आज हम लोग दो गांव एक्सप्लोर कर रहे हैं ना साथ, एक साथ। और अंदर में कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, लोग देखिएगा तो हम चोरी करने के लिए सोचेगा। हम चलते चलते बन जाएगा।
और कुछ सीन ऐसा दिखता है। और गाइस मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि हम लोग इतना बुर जर जर के आगे ये व्यू दिखाए, ये तो चना दे रहे है चना। और नाइस व्यू मैन, आया इधर में रहने के लिए मन करते है, फिर भी हम वापस आएगा क्योंकि अभी शाम का जर पास चुके ना, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग संग्रो विलेज में है ना, और हम लोग कहाँ पे रहने लें, पंगदी विलेज में रहने लें, इसलिए हम लोग हम जल्दी जाने हैं, हम दोनों जल्दी जाने हैं। मतलब मैंने सिर्फ ये व्यू दिखाने के लिए लेके आया था आप लोगों को, बहुत अच्छा व्यू है ब्रो, अच्छा से कैप्चर करके लो। हाँ, और मतलब इधर में तो लोग खेत करते हैं और आप लोग देख सकते हैं वो हाथ है, ठीक है, हम लोग खेत में हाथ बनाते हैं ना, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा व्यू है। ओके गाइस अभी हम लोग सिंगरो विलेज घूम के अभी पंगदी विलेज में जा रहा है, ठीक है, तो ये है पंगदी विलेज, वेलकम टू पंगदी। हम लोगों ने सिंगरो विलेज में गया था कुछ काउंट देखने के लिए और अभी वापस लौट के जा रहा है, ठीक है, तो अभी हम लोग जाके खाना पीना करेगा और उसके बाद में आप लोगों के साथ मुलाकात करेगा, ठीक है, तो अभी देख के लिए तो यहाँ से बाय। ओके गाइस आज हम लोगों ने पूरा गाँव घूम लिए, मतलब हम लोगों ने दो गाँव घूमा था और इधर में देखो ये बच्चा लोग कॉइन खेल रहे हैं, कॉइन खेलते हैं, बचपन का याद दे रहा है ये लोग, मेरा बचपन का याद वापस दे रहा है, थैंक यू मंगो। ये लोग तो इतना स्मार्ट नहीं है, हम का सब बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, तो अभी हम इतना बात नहीं करेगा, हम जाके खाना खाएगा और आप लोगों के साथ कल मुलाकात करेगा, इसलिए आज का व्लॉग यही से समाप्त होती है, दादा होती है। सो गाइस आप लोग मेरा काम पसंद है, मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और जो भी करना है आप लोगों का मर्जी, और मेरा पीछे का सीन कुछ ऐसा है। एंड थैंक यू वंस अगेन एंड लव यू ऑल, बाय बाय।